नमस्कार मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार आपने चोर पुलिस वाला कारनामा तो सुना ही सिविल कोर्ट में चोर को पेशी के लिए लाया गया था लेकिन चोर इतना शातिर था कि वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया और वो हथकड़ी खोलकर भागने लगा पुलिस भी कम नहीं थी पुलिस भी उसे खदेड़ने लगी लेकिन चोर भारी पड़ गया पुलिस पर और वो चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा और आखिरकार पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा आपको बताएं जो पूरा मामला है वो रविवार की बताई जा रही है जहां छपरा कोर्ट में पेशी के लिए एक आरोपी को लाया गया था जहां आरोपी हथकड़ी खोलकर फरार हो गया घटना रविवार की बताई जा रही है और इस घटना को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें लाल रंग का जैकेट पहनकर आरोपी भागता हुआ नजर आ रहा है उसके पीछे एक पुलिसकर्मी हथकड़ी लेकर दौड़ रहा है और उसे खदेड़ रहा है लेकिन आरोपी चालाक और पुलिस को चकमा देने में सफल हो गया बताया जा रहा है कि मशरक थाना में किसी केस को लेकर आरोपी को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था जहां उसने पुलिस को चकमा दे दिया और वो फरार हो गया और इसके कैदी की भागने की जो पूरी घटना है वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई आपको बताएं कि अक्सर ऐसे फिल्मों में भी देखने को मिलता है कि जो आरोपी को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आया जाता है और आरोपी पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता है अंत में पुलिस भी उसे खदेड़ती और पकड़ लेती है लेकिन जो मामला छपरा से निकल कर आया है वो कुछ अनोखा तरीके का है क्योंकि देखा गया कि पुलिस उसे खदेड़ रही है लेकिन चोर इतना शातिर था कि पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया और आखिरकार वो पुलिस की गिरफ्त से पूरी तरीके से फरार हो गया आपको बताया कि लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं घट है रही हैं हर मामले में पुलिस अब संज्ञान लेती हुई नजर आ रही है पुलिस एक्टिव नजर आ रही है लेकिन एक बार फिर से जो छपरा से खबर निकल कर आई है वो पुलिस की जो गिरफ्त है उस पर सवाल खड़ा करता है क्योंकि देखा गया कि छपरा में जब कोर्ट में पेशी के लिए कुछ आरोपी को लाया गया तब आरोपी हथकड़ी खोलकर फरार होने में सफल हो गया जिसके बाद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा और आखिरकार पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा तो फिलहाल के लिए इतना ही आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें फेसबुक पेज को लाइक करें साथ ही बिहार की तमाम छोटी-बड़ी खबर सबसे पहले अपने पास पाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जरूर मैसेज करें वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया